हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज के वीडियो जो है ये कमेंट सेक्शन पर बेस्ड है और कमेंट किया है पंकज कुमार ने। इन्होंने लिखा है, बिना राइटर कार्ड के स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं, यस या नो? देखिए, इसका सीधा साधा आंसर ये है कि बिना राइटर कार्ड के आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर तो करवा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव हो जाएगी, यानी वो आपको महंगी पड़ जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं तो मेनली इंडिया में स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाने के लिए SWA यानी स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन जो है वो बनाई गई है, और वहीं से मेनली जो फिल्म की स्क्रिप्ट है वो रजिस्टर होती है। देखिए, बड़े बड़े जो एक्टर्स है या फिर राइटर्स है, जैसे आमिर खान जी जो है उनकी भी प्रोडक्शन हाउस है, तो वो भी अपने स्क्रिप्ट को वहीं रजिस्टर करवाते हैं। तो जितने भी मेन लोग जो है जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो सभी अपने स्क्रिप्ट को SWA में ही रजिस्टर करवाते हैं। मैं भी SWA का ही मेंबर हूँ। तो SWA जो है ये मेनली फिल्म स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन के लिए होती है। टीवी सीरियल या फिर आपको वेब सीरीज करानी है या सॉन्ग करानी है तो मेनली उसी के लिए बनी है। देखिए, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप दूसरे जगहों पर भी करवा सकते हैं, लेकिन वो आपको कॉस्टली पड़ जाएगी। आप एक बात मान के चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि SWA में लगभग आपको क्या खर्च आता है। देखिए, अगर आप SWA का कार्ड बनवाते हैं तो आपको लगभग 5000 के आसपास में खर्च आता है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है, यानी फी जो है वो चेंज होती रहती है। तो आप मान के चलिए एवरेज एक 5000 रुपीज। अब देखिए, आपने राइटर का कार्ड बनवा लिया, लगभग आपको 5000 के आसपास में खर्च लगेंगे। आपको SWA में मेंबरशिप मिल जा रही है, तो दोनों बातें सेम है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि राइटर कार्ड बनवाना और मेंबरशिप लेना दोनों बातें सेम है। तो आपने ये काम कर लिया, उसके बाद जब आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाने जाते हैं तो आपको बहुत मिनिमल चार्जेस लगते हैं, यानी आपको 40 रुपीज के आसपास में फर्स्ट पेज की लगती है और बाकी 3 रुपीज और बाकी के पेजेस के। सपोज अगर आपको 3 पेजेस रजिस्टर करवाने हैं तो पहली पेज की आपको 40 रुपीज लगेगी और बाकी 3 रुपीज आपकी नेक्स्ट 2 पेजेस की लगेगी। तो काफ़ी कम में आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और याद रखें कि राइटर कार्ड बनवाने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं स्क्रिप्ट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। डायरेक्टली आप नहीं करवा सकते हैं, आपके पास राइटर कार्ड होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, तभी आप फिर राइटर कार्ड के जरिए अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं, चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अब देखिए, अगर आप किसी दूसरे जगह पर करवाते हैं तो 5000 से लेकर के 10000 आपको चार्ज लगती है मात्र एक स्क्रिप्ट की। अगर आप एक स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाते हैं तो आपको 5000 से 10000 चार्ज किया जाता है, तो क्या जरूरत है वहां पर आपको करवाने की? क्या जरूरत है आप 5000-10000 रुपीज दे करके सिर्फ एक ही रजिस्टर करवाए? आप राइटर कार्ड बनवा लेंगे तो आप उसके बाद थोड़े बहुत पैसे जमा दे करके 120-130-240 तो आप थोड़े बहुत पैसे दे करके अपने स्क्रिप्ट को आराम से रजिस्टर करवा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आपको 5000-10000 बार बार खर्च करनी पड़ेगी। सपोज मान लीजिए कि आपको 3 स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाने हैं, तो अगर आप 5000 भी एक स्क्रिप्ट की पकड़ते हैं दूसरे जगह पर तो फिर आपको 15000 लग जाएंगे। लेकिन अगर आप राइटर एसोसिएशन में करवाते हैं SWA में, तो वहाँ एक बार ही आपको कार्ड के 5000 लगेंगे, लगभग 5000 लगेंगे, और उसके बाद फिर आपको स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन के चार्जेस बहुत ही कम लगेंगे। तो अब मैंने आपको बताया कि फ़ी क्या है वहाँ की, 3 रुपीज़ पर पेज के हिसाब से और फिर फर्स्ट पेज की 40 रुपीज़, तो बहुत ही कम फ़ी लगती है वहाँ पर। तो इस तरह से आप करेंगे SWA में तो आपको बहुत ही कम में स्क्रिप्ट रजिस्टर हो जाएगी। और देखिए, राइटर कार्ड इसलिए भी ज़रूरी है कि आप के पास एक लाइसेंस हो जाता है स्क्रिप्ट राइटिंग का। आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी प्रोड्यूसर के पास जाएंगे या फिर आप किसी दूसरे जगह पर जाएंगे, तो आपको राइटिंग जो है, आप अगर राइटिंग कर रहे हैं तो आपके पास ये कार्ड होना चाहिए। ये आपके लिए एक लाइसेंस का भी काम करता है। आप अगर किसी दूसरे जगह पर डायरेक्टली स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लेंगे तो वो तो आपका कॉपीराइट हो गया, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन जब आपके पास राइटर का कार्ड होता है तो आपके पास स्क्रिप्ट लिखने का एक लाइसेंस भी हो जाता है। तो मेनली आपको क्या करना चाहिए, आपको SWA से राइटर कार्ड बनवा लेना चाहिए। और देखिए, अगर आपको डायरेक्टली भी रजिस्टर करवाना है तो आप करवा सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के ट्रेड यूनियंस इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर डायरेक्टली रजिस्टर होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, copyright.gov.in पर जाएंगे आप तो वहां पर भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन देखिए वो आपको कॉस्टली पड़ जाएगी। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, अब आपकी इच्छा। अगर मेरी माने तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप SWA में कार्ड बनवाएंगे तो आपको कम में हो जाएगी और आपके पास आपके स्क्रिप्ट राइटिंग का एक लाइसेंस भी हो जाएगा, आपके आइडेंटिटी भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।